ibu desh prem kae bemisal misal desh prem ke bina desh ka nirman nahi hota aur desh ke nirman ke bina hamara astitv ko hamari asmita rekhanchit nahi ho sakti. Beta ji swayam ek zinda shaheed aur inhone is ayojan ke karne mein apni rashtriya bhavana ka parichay diya hai jiske bina hindustan ki kismat ko badalna mushkil hai aur us rashtriya bhavana ko agar humne aage badha diya to is rashtra ka nirman karne mein is nayi sadi mein kisi sadi mein bharatvarsh ko उन्नति के शिखर पर ले जाने को दिक्कत नहीं हुआ. मैं आज उन शहीदों का इस्तकबाल करता हूं, उनको श्रद्धा से स्मरण करता हूं जिन्होंने अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं. शहीदों की वो बात आज भी याद आती है और इसीलिए मैंने अपनी कविता में एक बार कहा था कि शहीद कभी मरते नहीं, अमर हो जाती, मरकर अमर हो जाती. जिनके खून में देश की आन बान और शान पर मर मिटने का जज्बा आज भी बरकरार है, भगत सिंह जी के भाई सरदार सुल्तान सिंह जी. और अब हम अनुरोध करते हैं श्री विद्या जी से. अब हमारा जो है माननीय श्री नरसिम्हा राव जी से एवं बिट्टा जी से कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के निर्देशक श्री राजकुमार संतोषी का भगत सिंह नेशनल अवार्ड देकर सम्मान प्रदान करें. राजकुमार संतोषी जिन्होंने भगत सिंह की कहानी को इतिहास से निकाल कर पर्चे पर सजीव किया और एक सराहनीय सुंदर सरल प्रयास किया श्री राजकुमार संतोषी. माननीय श्री नरसिम्हा राव जी एवं श्री बिट्टा जी से हम अनुरोध करते हैं कि उन्हें भगत सिंह नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित करें. चौरानी जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनसे अनुरोध है कृपया मंच आए और कृपया मंच पे आकर अपना सहयोग दें.
देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब और इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट मेंबर पार्लियामेंट श्री सिंह जी साहब, हमारे बड़े भाई ईरानी साहब, अजय देवगन जी, सरदार भगत सिंह जी के भाई सरदार सुल्तान सिंह जी, सोनू निगम जी, राजकुमार संतोषी जी, बत्रा जी, सूफी जी और मेरे छोटे भाई यूथ कांग्रेस एंटी टेररिस्ट फ्रंट के दिल्ली के प्रेसिडेंट रोहित अग्रवाल जी, मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, आज हमें इनकलाब दिवस नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान की हिस्ट्री में क्रांति दिवस तो आता है, आजादी का नाम तो आता है और बड़े बड़े दिन मनाए जाते हैं, पर इनकलाब दिवस जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नहीं। आज हमें इनकलाब दिवस नारा देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज देश के अंदर अफरा तफरी चल रही है। यह इनकलाब का नारा जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए हमें आज इनकलाब नारा देने की जरूरत पड़ी और शहीद भगत सिंह ने जब देश की आजादी के आंदोलन में थे, उन्होंने शहादत देते वक्त, कुर्बानी देते वक्त यह बात खुलकर कही थी कि आजादी तो हम फांसी के फंदों को चूम चूम करके अपनी जान देके दिलाए, पर हमारी आजादी के बाद 50 साल इस देश के अंदर अफरा तफरी रहेगी और 50 साल के बाद मुझे फिर देश की जनता याद करेगी। और उसकी शुरुआत ईरानी साहब ने, संतोषी साहब ने जिस तरीके से की है, मैं उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद दूं, क्योंकि आज देश के अंदर फिरका प्रस्ती का माहौल, देश के अंदर आपस में भाईचारे को तोड़ने का माहौल है। और शहीद भगत सिंह को भी उस वक्त यह कहा करते थे, शहीद भगत सिंह तेरी कास्ट क्या है, तेरा काम क्या है? तो शहीद भगत सिंह भी एक ही बात कहता था, मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा सब कुछ, मेरा मान, मेरा सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान को आबादी दिलवाना है और मैं हिंदुस्तानी सबसे पहले हूं, उसके बाद मेरा धर्म मजहब आता है। तो आज हमें शहीद भगत सिंह जी के असूलों पर चलना है। आज अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी से हमें पीछे नहीं हटना होगा। आज हमें यह नारा देना होगा, जवानी की जलती मिसालें उठाकर अंधेरों की आंधी को हम चीर देंगे। शहीद भगत सिंह की सोच के ऊपर चलते हुए हमें यह नारा देना होगा, जीना है तो मरना सीखो, देश की रक्षा करना सीखो। आज इस देश के अंदर हिंदुस्तान के नौजवानों को बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। तो मैं इन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब जहां आए
और कुरानी साहब संतोषी जी, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि और ऐसी पिक्चरें बनाएं जिले वाला बाग के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, जो आने वाली जनरेशन के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही आपसे शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जीना है तो मरना सीखो, देश की रक्षा करना सीखो।